दोस्तों, एक ऐसा देश जहां महिलाओं की संख्या आदमियों से काफी ज्यादा है, एक ऐसा देश जिसकी आबादी से ज्यादा यहां हर साल टूरिस्ट घूमने चले आते हैं, ऐसा देश जहां नजरें घुमाने पर सिर्फ खूबसूरती ही दिखाई देती है, पत्थर से लेकर पानी, लड़की से लेकर जवानी, यहां हर चीज का अपना ही जलवा है। ये एक ऐसा देश है जो गैर कानूनी तरीके से पैसों के दम पर अपनी नागरिकता बेचता है। इसके अलावा यहां की हजारों खूबसूरत महिलाएं वेश्यावृत्ति जैसे काम को करती हैं और तो सिर्फ इसे शौक के लिए ही करना पसंद करती हैं। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है इटली। इटली दक्षिण यूरोप में बसा एक बेहद ही सुंदर देश है और इसे यूरोप के सबसे प्रमुख धार्मिक और आधुनिक देशों में गिना जाता है। इसका इतिहास लिखित रूप से भी हजारों साल पुराना है। दोस्तों, इटली का बॉर्डर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया और अल्पस की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो यह पूरा देश ही खूबसूरती की मिसाल है, पर जब बात राजधानी की होती है तो इटली की कैपिटल सिटी रोम है, जिसे बहुत पहले रोमन शताब्दी के दौरान बसाया गया था। अगर आपको इटालियन भाषा में अगर किसी लड़की को आई लव यू कहना हो तो आपको टी वोग्लियो वेने कहना पड़ेगा, जिसका मतलब आई लव यू ही होता है। दोस्तों, इटली खुद एक अहम देश है, लेकिन यह अपने अंदर ही दो देशों को समेटे हुए है, जिसमें पहला देश वेटिकन सिटी है, जहां ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा पॉप रहता है। ये देश राजधानी के बीचों बीच बसा हुआ है, जिसका एरिया महज 0.44 स्क्वायर किलोमीटर ही है। इसके अलावा दूसरा देश सैन मरीनो है, जो खुद एक आजाद कंट्री है और इसका एरिया 61 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, अब आते हैं पूरे देश इटली की बात पर। यह खूबसूरत देश 301,340 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इटली दुनिया का 71वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के लिहाज से यह दुनिया का 23वां बड़ा देश है। यहाँ की लगभग 75% आबादी रोमन कैथोलिक है और इस देश को रोमन कैथोलिक का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। इटली का ऑफिशियली नेम रिपब्लिका इटालियन है और यह यूरोप का 5वां सबसे अमीर देश है। यहाँ पर कुल 6 करोड़ लोग रहते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसी देश में मौजूद है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली में 50 से ज्यादा ऐसी धरोहरें हैं। दोस्तों, इतिहास के मशहूर वैज्ञानिक सर गैलीलियो के सीधे हाथ की एक उंगली और अंगूठा आज भी इटली के फ्लोरेंस शहर के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। दरअसल सर गैलीलियो ने एक चर्च में जाकर ये दावा किया था कि सूर्य पृथ्वी के नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। इसी वजह से इस वैज्ञानिक को 16वीं शताब्दी में गिरफ्तार किया गया और सीधे हाथ की एक उंगली और अंगूठा काट दिया गया और म्यूजियम में रखी ये उंगली गैलीलियो सर की ही है। दोस्तों, इटली का वीनस शहर पानी के ऊपर बसाया गया है। इस शहर की गलियां पानी की नदियां हैं, जहां पर गंडोला नाव के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जाता है। इटली में एक गांव है फाल्सियानो डेल मसीनो, जहां पर आधिकारिक रूप से मरना मना है, क्योंकि इस गांव के कब्रिस्तान भर चुके हैं और दूसरे मुर्दों को दफनाने की जगह नहीं है। साल 1088 में इटली में एक ब्लोबना नाम की यूनिवर्सिटी चालू करी गई थी और आज 10 शताब्दी बीतने के बाद भी यह यूनिवर्सिटी सुचारू रूप से चल रही है। इटली में ही पहली बार पियानो बनाई गई थी। खाने की चोरी को इटली में जुर्म नहीं माना जाता। 2 जून को यह देश अपना नेशनल हॉलीडे मनाता है। दोस्तों, यूं तो इटली देश खूबसूरती की विरासत है, पर अगर मैं इटली के सबसे सुंदर शहरों की बात करूं तो यहां का रोम, वेनिस, फ्लोरेंस, नेपल्स, मिलन, पीसा, वेरोना, टूरिन, हेनोवा, ब्लोबना, पालेर्मो, अमल्फी, बरी, कैगलियरी, रिमिनी बहुत ही सुंदर शहर है, जहां पर आबादी से ज्यादा यहां हर साल टूरिस्ट घूमने चले आते हैं। इटली हमेशा से टूरिस्टों की पहली पसंद रहा है, खास तौर पर मेल टूरिस्ट में, क्योंकि 6 करोड़ की आबादी वाले इटली में 1 लाख से भी अधिक ऐसी महिलाएं और लड़कियां हैं जो पैसे के बदले कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। इटली की नाइट लाइफ, बीच, होटल्स और कई मार्केट आपको बहुत पसंद आएंगी। यूरोपीय नागरिकों को इटली घूमने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। यूरोपीय नागरिक केवल पासपोर्ट की मदद से ही इस खूबसूरत देश को घूम सकते हैं, जबकि भारतीय नागरिकों को इटली जाने से पहले वीजा लेना होता है और इटली गैर कानूनी तरीके से पैसों के दम पर अपनी नागरिकता बेचता है। तो दोस्तों, अगर आपको इटली का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें। वहीं जाते जाते हमारी इस चैनल फैक्ट मूलीज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि नई वीडियो की सारी अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। हम मिलेंगे और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।